हिल स्टेशन वाले दृश्य आज देखने को मिल रहा है हरिद्वार में। चारों का दृश्य देखने से आपको नजर लग गया होगा कि हरिद्वार में अभी ठंडी कितनी ज्यादा है। आजाना के दृश्य देखने को मिल रहा है और अभी हम सबसे प्रमुख घाट का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये है माँ गंगा की प्रमुख धारा जो कि काफी तेज होती है लेकिन आज थमी थमी सी। हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। आज का दृश्य काफी ज्यादा हटके है और अचानक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है और आसमान में कोहरा पूरा छाया हुआ है। कुछ ही डिस्टेंस का जो दृश्य है वो हमें देखने में नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, काफी ज्यादा भीड़ है, श्रद्धालु की, और काफी ज्यादा ठंडी भी है और आज का दृश्य काफी ज्यादा हटके होने वाला है। तो चलते हैं, आपको माँ गंगा के दिव्य दर्शन कराते हैं और साथ में आज माँ गंगा की जो गति है वो आपको काफी धीमी सी दिखाई दे रही होगी। काफी धीरे गति से माँ गंगा की धारा आगे की ओर बह रही है। तो माँ गंगा की जो दिव्य दर्शन है अभी आप कर रहे हैं। ये है मालवी घाट और ये आप देख रहे हैं बड़ा सा स्तंभ, ये है घटक है और इधर है, ये है महिला घाट और सामने मंदिर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। वो है प्रमुख घाट हर की पैड़ी जिसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आने के लिए दो द्वार हैं, एक तो ये वाली द्वार जो कि भीमगोड़ा से होके आती है और यहाँ पे जूता स्टॉल है, जूता को निकाल के आप इधर एंट्री कर सकते हैं, और एक तो प्रमुख द्वार है जो हम आपको कुछ देर में भी। ये है, हम आ चुके हैं नई घाट पे और भीड़ श्रद्धालुओं का आप देख रहे हैं काफी ज्यादा है। पिछले दिनों की तुलना में आज रौनक दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं आज और ठंडे भी काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है। ये है नई घाट और यहाँ पे अस्थि विसर्जन और मुंडन की विधि होती है और पीछे आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा हल्की हल्की सी पहाड़ है, वो कल की वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें आपको दृश्य देखने को मिलेगा और आज की वीडियो में आप कंपेयर कीजिएगा कि कितना ज़्यादा अंतर है। हवाई गति आप देख रहे हैं काफ़ी तेज है, बर्फीली हवा चल रही है। स्नान करने के बाद थोड़ा ठंडी लग रही है, स्नान करने से पहले ज़्यादा ठंडी लगती है और आप देख रहे हैं माँ गंगा के शीतल जल की गति थमी थमी सी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है पॉलीथिन का यूज़ करने के बाद आप ऐसे घाटों में ना फेंकें जैसे कि आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि पॉलीथिन को फेंक देते हैं और वो जल में आके मिल जाते हैं और फिर जल को प्रदूषित करते हैं, तो ऐसा ना करें। यह है भागीरथी सेतु, हम इसी ब्रिज से होके नए घाट जाएंगे अगर हम इस घाट की ओर आते हैं तो। माँ गंगा की धारा काफ़ी धीमी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी तो पहले के जैसा है, जैसे कपड़े आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से माँ मनसा देवी की जो टेम्पल है आपको नहीं के बराबर दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे हैं चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा से ढका हुआ है। आप देख रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पे कपड़े भी फेंक देते हैं स्नान करने के बाद। आप देख रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु नीचे गहरे गहरे जल में जाके स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी तेज धारा होती है, ये माँ गंगा की प्रमुख धारा है और अभी हम आ चुके हैं हर की पैड़ी के पास और अभी हम कुछ ही देर में आपको माँ गंगा के दिव्य दर्शन सबसे प्रमुख घाट से कराने वाले हैं।
वाली ब्रिज से अगर होकर जाते हैं डायरेक्ट हम मोती बाजार ओपन मार्केट होते हुए जा सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ये हम आ चुके हैं सबसे प्रमुख घाट और अभी सुबह के टाइम हुए हैं 12:20 और अभी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कोहरा, जो कि यह है सबसे प्रमुख घाट। और आज हमें दृश्य देखने को मिल रहा है मसूरी वाला हिल स्टेशन वाली हर की पैड़ी हरिद्वार में ही, और श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं पिछले दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और डुबकी यहाँ पे लगा रहे हैं। बारह बज के बीस मिनट हुए हैं अभी और ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। जल की गति काफ़ी कम है आज। यहाँ पे ही दिव्य आरती के पावन दर्शन करते हैं सुबह या शाम, यहाँ पे आरती होती है। दोनों घाट में श्रद्धालु बैठे होते हैं। आरती का टाइम अगर हम अभी कहें तो 5:40 है। आप 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले ही आके स्नान ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आपको पीछे खड़े होकर माँ गंगा की दिव्य आरती करना होगा अगर आप लेट हो जाते हैं तो। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्राह्मण बैठते हैं जो कि पूजा की विधि संपन्न कराते हैं। ये वाली आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड है, यहीं पे अमृत के कुछ बूंदे गिरे थे ऐसा कहा जाता है। और ये वाली जो घाट है ये है महिला घाट और हम अभी खड़े हुए हैं हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी महिला घाट और नई घाट एक दूसरे से लगे हुए हैं और ये ब्रिज था जो हटा दिया गया है। हटाने के बाद सारे घाट एक जैसे ही लगते हैं।